डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन दिस चैनल। स्टूडेंट, क्लास 12 का ये हम लोग हिंदी व्याकरण में रस पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और करुण रस देखा था। इस वीडियो में आइए हम लोग चेक करते हैं हास रस। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में फिर आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और करुण रस सो उदाहरण सहित देखा है और हमें पूरा विश्वास है कि वे दोनों वीडियो आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अतः यहाँ हम लोग तीसरे वीडियो हास रस पर चलते हैं। परिभाषा देख लेते हैं कि हास नामक अस्थाई भाव का अनुभव विभाव और संचारी भाव के योग से रस होता है। वहाँ पर हास रस होता है और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि बृंद सुखारे हे हैं शिला सब चंद्रमुखी पद मंगल मंजुल कंज तिहारे किन्ने भली रघुनायथ जु करुणा कर को पग धारे। तो प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि इस उदाहरण को पढ़ने पर हास रस कैसे हो जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर हो गई थी, श्री रामचंद्र जी के कमल पद पैरते ही वह पुनः स्त्री हो गई थी। इसी लालच के पक्ष में होकर वे वहाँ के रहने वाले ऋषि मुनि वहाँ पर रह रहे थे। अतः यहाँ पर हास रस जैसा वो सब क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हास रस की उत्पत्ति हो रही है।